अस्सलाम वालेकुम, मैं सऊद रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाइथन फॉर एब्सोल्युटली बिगनर्स के। इस कोर्स में हम अभी तक पहुंचे हैं ऑपरेटर्स के ऊपर। बहुत सारी ऑपरेटर्स के टाइप्स जो हमने देख ली हैं, आज हम लास्ट स्टेप जो है अपने ऑपरेटर्स के वो कंप्लीट कर लेंगे, जिसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर देखेंगे क्या होते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देखेंगे क्या होते हैं, और मेंबरशिप ऑपरेटर्स को देखेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं इजी एग्जाम्पल्स के साथ। जो हम पहले इससे ऑपरेटर्स कर चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इस तरह जितने भी ऑपरेटर्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियोस देखें। मैंने इन सब वीडियोस को अरेंज किया है एक ऑर्डर में, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर वे में हो सके। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स टूडेज टॉपिक विच इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पर मैं फाइल बना चुका हूँ वी एस कोड के अंदर, और यहाँ पे डायरेक्ट वर्किंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपको पता है हमारे पास, जिस तरह से हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, हमने लॉजिक गेट्स पढ़े हुए हैं, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहाँ पे है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास हैं कौन कौन से, एंड, और नॉट। ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास पाए जाते हैं। अब जो फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर है वो है हमारे पास एंड। एंड का लॉजिक गेट अभी मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा लॉजिक गेट्स के थ्रू। अब लॉजिक गेट आपको जो नजर आ रहा है यहाँ पे है क्या हमारे पास, हमारे पास इनपुट में एक तो ए वेरिएबल आ रहा है और नेक्स्ट हमारे पास बी वेरिएबल आ रहा है। आप इनको इस तरह से कंसीडर करें कि हमारे पास ए वेरिएबल जो है उसके अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर है और बी वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये वाली वैल्यू स्टोर है, और नेक्स्ट जो एंड है उसकी हमारे पास आउटपुट आ रही है। सही है। अब होता क्या है यहाँ पर कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर ए में हमारे पास जीरो स्टोर है, यानी कि ए इज इक्वल टू जीरो। हमारे पास एक ए वेरिएबल है उसके अंदर जीरो स्टोर है, और बी के अंदर हमारे पास फिर से जीरो स्टोर है, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है एंड ऑपरेशन लगाने के बाद, एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाने के बाद जीरो। व्हाट डज इट मीन, ये जो लॉजिक गेट्स हैं आप ये एक्सेप्ट किस तरह से करते हैं वैल्यूज की, आउटपुट हमें किस तरह से देते हैं। एंड जो है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये है कि हमारे पास दोनों वैल्यूज जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए, यानी कि वन होनी चाहिए। अब वन से मुराद ये सिर्फ लॉजिकल गेट्स के लिए है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉजिक गेट्स में हमारे पास जीरो और वन के ऊपर ही हम वर्किंग कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट जब एग्जाम्पल्स दूंगा आपको, अभी हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि मैं किस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ एंड लॉजिकल ऑपरेटर को। अभी आप फिलहाल के लिए इस पिक्चर में देखेंगे जीरो जीरो की हमारे पास आउटपुट जीरो आ रही है, जीरो वन की भी जीरो है और वन जीरो की भी आउटपुट जीरो है। जस्ट हमारे पास वन वन की आउटपुट जो है वो हमारे पास वन आ रही है। कि हमारे पास जब भी दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू सेम होगी देन हमारे पास आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आएगी, यानी कि हमारे पास ट्रू आएगी। आप जीरो को यहाँ पे फॉल्स और वन को यहाँ पर ट्रू कह सकते हो, क्योंकि ये बुलियंस की लैंग्वेज है हमारे पास, तो उसमें ट्रू और फॉल्स होते हैं और जीरो और वन के ऊपर हम काम करते हैं। तो ये है हमारे पास सिंपल लॉजिक एंड का। अब देखते हैं हमारे पास एंड ऑपरेटर काम किस तरह से करता है। ये तो जीरो वन की सिंपल एग्जांपल होगी। अब यहाँ पर देखें, इफ आई स्टोर एक्स इक्वल टू फाइव एंड वाई, अच्छा यहाँ पे स्पेस आ रही है एक्स्ट्रा, उसको रिमूव कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू फोर। तो आप देखें यहां पर, अब मैं एंड का ऑपरेटर जो है इसके ऊपर अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूं अपनी, और उसके अंदर इसको चेक करने के लिए जस्ट अभी देखें इसके अंदर कंडीशंस हैं, इफ एल्स के थ्रू हम कर सकते हैं, बट मैंने अभी आपको वो कंडीशनल जो स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं करवाई। तो मैं जस्ट आपको जितनी भी एग्जांपल्स दे रहा हूं अभी तक वीडियोस के अंदर, वो मैं प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू देता हूं, ताकि आप लोगों के लिए अभी इजीनेस रहे इस चीज में, आपको आपकी जो लर्निंग है वो बेस्ट वे में हो सके। अब देखें हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट हमने ली, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं एक्स इज लेस देन 10 और एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, देन हम कहते हैं y इज लेस देन 10। अब हमारे पास हो क्या रहा है, हमने यहां पर भी देखें ऑपरेटर्स यूज किए हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अब आपने कमेंट में मुझे बताना है कि ये जो लेस देन का या ग्रेटर देन का ऑपरेटर है ये कौन सी टाइप है ऑपरेटर्स की, ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने अभी यहां पर चेक किया है x is less than 10 and y is less than 10, प्रिंट करो
अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास देखें ट्रू आ रहा है। अब ये ट्रू किस तरह से आ रहा है, हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो चेक करें। फर्स्ट पे एक्स इज लेस देन 10, तो देखें क्या एक्स 10 से छोटा है। जी बिल्कुल, एक्स इज इक्वल टू 5, ये 10 से छोटा है। और वाई आप चेक करें, यहां पे भी हमने कंडीशन लगाई है वाई इज लेस देन 10, यस वाई इज ऑल्सो लेस देन 10। तो एंड ऑपरेटर क्या कर रहा है, ये इसको ऑर्डर दे रहा है कि चेक करो कि क्या x छोटा है और ये भी चेक करो कि क्या y भी 10 से छोटा है। अब ये दोनों को चेक करेगा, अगर तो दोनों कंडीशंस जो है वो ट्रू होंगी, देन हमारे पास आउटपुट के अंदर ट्रू शो होगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन इसके अंदर गलत हो जाती है तो हमारे पास आउटपुट के अंदर फॉल्स शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे करता हूं y इज ग्रेटर देन 20, अब मैं अगर रन करता हूं तो आप देखें हमारे पास फॉल्स आ गया। क्यों, हमारे पास ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई बट ये वाली फॉल्स हो गई। यही था वो लॉजिक जो मैंने आपको लॉजिक गेट के अंदर बताया था कि जब हमारे पास दोनों कंडीशंस तो ट्रू होंगी देन हमारे पास आउटपुट जो है वो मैक्सिमम आएगी। अच्छा अभी आप नेक्स्ट एक और चीज देखें, इसी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मैं एक और काम करता हूं, हम मल्टीपल कंडीशंस भी लगा सकते हैं। अब ये नहीं है कि हमने यहाँ पर एक बार एंड यूज कर लिया अब हम दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते, हम मल्टीपल टाइम्स इसको इसी स्टेटमेंट के अंदर वन लाइन ऑफ कोड के अंदर बार बार यूज कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई बट मैं इसको दोबारा से ट्रू करता हूँ, एक्स इज लेस देन वाई, और यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करता हूँ कि एक्स डबल इक्वल टू वाई। अब यहां पर आपने ये वाला ऑपरेटर भी मुझे कमेंट्स में बताना है कि डबल इक्वल का ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर की कौन सी टाइप है, आपने ये कमेंट करना है। वीडियो को अभी पॉज करें और पहले जाके कमेंट करें। ओके जी, अब यहां पर देखें हमने तीन कंडीशंस लगा दी एक ही स्टेटमेंट के अंदर, x इज लेस देन 10 एंड y इज लेस देन 10 एंड ऑल्सो चेक क्या x जो है वो y के इक्वल है या नहीं। अच्छा अब यहां पर एक फर्क है सिंगल इक्वल और डबल इक्वल के अंदर, सिंगल इक्वल क्या करता है वैल्यू को असाइन कर देता है, यानी कि x इज इक्वल टू 5 का मतलब है x के अंदर 5 वैल्यू स्टोर कर दो, x इज डबल इक्वल टू 5 का मतलब है कि क्या x 5 के इक्वल है ये चेक करो। यहां पर हमारे पास चेकिंग आ जाती है और यहां पर हमारे पास असाइनिंग आ जाती है। So, अब हमारे पास तीन कंडीशंस जो हैं वो लग चुकी हैं। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। चलें अभी तक वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, मैं कह रहा हूं चले नहीं करना तो आपकी मर्जी है। हम इसको रन करते हैं और हमारे पास आप देखें जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, फॉल्स। अब ये फॉल्स क्यों आ रहा है, हमारे पास पहली कंडीशन जो है x इज लेस देन 10 ये भी ट्रू हो गई। ओके जी, एंड ऑपरेटर आ गया, इसका मतलब कि हमने अगली कंडीशन जो उसको भी चेक करना है, y इज लेस देन 10, ओके जी ये भी ट्रू हो गया इसके हिसाब से क्योंकि y में हमारे पास 4 स्टोर है, क्योंकि y के अंदर हमारे पास 4 वैल्यू स्टोर है तो ऑब्वियसली वो 10 से छोटी है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से एंड ऑपरेटर आ गया, अब ये एंड ऑपरेटर कह रहा है क्या चेक करो कि क्या x जो है वो y के इक्वल है। सो दिस कंडीशन doesn't fulfill the requirements. अब यहां पर 5 जो है 4 के इक्वल नहीं है, यहां पे हमारे पास कंडीशन जो है फॉल्स होगी, तो एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास आउटपुट फॉल्स आ जाएगी। यहां पर हमारे पास सारी की सारी कंडीशंस जो है वो ट्रू होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास आउटपुट के अंदर ट्रू वैल्यू शो होगी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, मैं इसको कर रहा हूं कमेंट आउट, ये है हमारे पास एंड ऑपरेटर, यहां पे मैं लिख देता हूं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट चलते हैं हम और देखते हैं अपना। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पास एंड ऑपरेटर से। एंड ऑपरेटर का एक बार फिर से मैं ट्रुथ टेबल जो है मैं आपको शो करवा रहा हूं यहां पर, उसके अंदर हमारे पास क्या था कि दोनों इनपुट्स जो है हमारे पास 0 और 1 में जो हमें यहां पे शो हो रही है उसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी ये वैल्यूज के अंदर, तो ट्रू या फॉल्स की सूरत में अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास ट्रू होंगी या मल्टीपल जितनी भी वैल्यूज है अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज जो है वो ट्रू होंगी देन हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगी। अब और गेट के अंदर क्या होता है, और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर क्या होता है,
आप ये गेट के अंदर देख सकते हैं या फिर ट्रुथ टेबल के अंदर देख सकते हैं, अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू होती है, देन हमारे पास आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाएगी। दोनों में से कोई एक हमें ट्रू चाहिए। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब हमारे पास x के अंदर 5 स्टोर है, y के अंदर 4। प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, और उसके अंदर सेम हम चेक करेंगे जैसा से हमने एंड ऑपरेटर का चेक किया था। यहां पर चेक करते हैं x डबल इक्वल टू 5। हम डायरेक्टली इस तरह से भी कंडीशन कंडीशन जो है अपनी लिख सकते हैं। अब यहां पर एंड की जगह पर और ऑपरेटर यूज करेंगे, और y इज ग्रेटर देन 10। अब मैंने यहां पर दो कंडीशंस दे दी हैं। फर्स्ट में मैं चेक कर रहा हूं क्या x जो है वो 5 के इक्वल है, और सेकंड के अंदर हम क्या चेक करें, y इज ग्रेटर देन 10। अब अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू होगी तो हमें आउटपुट में ट्रू दे देगा। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो आप हमारे पास देखें आउटपुट ट्रू आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्स जो है हमारे पास पहली ही कंडीशन 5 के इक्वल हमारे पास फुलफिल हो रही है। अब ये तो हमारे पास ट्रू हो गई, बट उसके आगे हमारे पास ऑपरेटर लगा हुआ है, और ऑपरेटर क्या करेगा, वो कहेगा यहां पर कि इस कंडीशन को भी चेक करो। अब ये कंडीशन क्या है, वाई इज ग्रेटर देन 10, बट वाई तो है लेस देन 10 है। ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई। अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन ट्रू हो गई और सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास फॉल्स है, बट हमारे पास आउटपुट ट्रू आ रही है। तो और ऑपरेटर जो है हमारे पास वो क्या करता है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर हमारे पास ट्रू आ जाती है, देन हमारे पास आउटपुट के अंदर ट्रू आएगा। अब यहां पर जिस तरह से मैंने और के अंदर एंड ऑपरेटर के अंदर लगाया था मल्टीपल कंडीशंस, हम यहां पर भी कर सकते हैं, और वाई डबल इक्वल टू 4। अब यहां पर मैंने ये कंडीशन लगाई, मैं दोबारा से रन करता हूं, आप देखें हमारे पास फिर से ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब ये वाली कंडीशन जो है ये भी ट्रू हो गई, सेकंड वाली हमारे पास फॉल्स है, बट थर्ड जो है फिर से वो ट्रू हो गई। तो ये है हमारे पास और ऑपरेटर। अब नेक्स्ट जो लास्ट ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, हम उसको देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अब ये ट्रुथ टेबल आप देखें, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जो भी हमारे पास आउटपुट आएगी या हम जो भी इनपुट के तौर पर उसको देंगे, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। मीन टू से अगर हमारे पास जीरो है देन वन हो जाएगा, अगर वन है देन जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है देन फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स है तो हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट, या फिर मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, वेरिएबल का नेम रखते हैं चेक इज इक्वल टू नॉट, नॉट हमने ऑपरेटर लगा लिया, डबल ब्रैकेट्स लगाई, और उसके अंदर हम देखते हैं एक्स डबल इक्वल टू 5। अब यहां पर कंडीशन मैं छोटी सी रख रहा हूं आपको जस्ट समझाने के लिए। अब मैं क्या करता हूं, प्रिंट करता हूं इस वेरिएबल को चेक, और आउटपुट लेते हैं इससे। अब हमारे पास, मैं दोबारा से क्लियर करता हूँ, आउटपुट को क्लियर करने के बाद दोबारा से रन करते हैं तो आप देखें हमारे पास फॉल्स आ रहा है। बट आप देखें एक्स इक्वल टू 5 मीन्स यहां पर चेक करो कि क्या हमारे पास 5 की जो एक्स के अंदर वैल्यू है, सॉरी, वो 5 के इक्वल है। तो यस, हमारे पास एक्स के अंदर 5 ही स्टोर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू। बट नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उस ट्रू को फॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो सिंपली ये है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। आप देखिए हम इनका कॉम्बिनेशन जो है उसको भी यूज कर सकते हैं। यहां पर मैं सबको कमेंट करता हूं और नेक्स्ट लाइन पे जाके करता हूं एक और प्रिंट स्टेटमेंट, और इसमें मैं लिखता हूं एक्स इज लेस देन 20। हमने पहले चेक करना है कि क्या एक्स जो है वो 20 से छोटा है, देन मैं करता हूं और y इज ग्रेटर देन 2 एंड x इक्वल टू y।
अब मैंने एक ही लाइन के अंदर दो लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज किए हैं। हम मल्टीपल और भी कर सकते हैं, यहां पर कोई भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है हमने यूज करने हैं। हम अपनी मर्जी के मुताबिक जितने हमें रिक्वायरमेंट है, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जस्ट कंडीशन को समझाने के लिए मैं आपको कर रहा हूं, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। फर्स्ट हम चेक करें कि क्या x लेस देन 20 है, तो x के अंदर हमारे पास वैल्यू कितनी स्टोर है, 5। सो इट मींस के x जो है हमारे पास 20 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। अब नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा लगा है, और y ग्रेटर देन 2। So yes, y के अंदर हमारे पास 4 स्टोर है, y भी ग्रेटर देन 2 है। अब यहां पर हमने और चेक करना था, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती देन हमारे पास आंसर ट्रू आ जाना था। अब हमारे पास दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट हमारे पास लगा है ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर में हम चेक कर रहे हैं कि x इक्वल टू y। हमने ये भी चेक करना है कि क्या x जो है वो y के इक्वल है, तो ऑब्वियसली अब आपको पता होगा कि हमारे पास आउटपुट के अंदर क्या आना है। हमें आउटपुट मिल रही है ट्रू वाई। हमने यहां पर लॉजिकल ऑपरेटर और यूज किया है, इसलिए अब आप कह रहे होंगे कि ये एंड ऑपरेटर भी लगा है। बट एंड ऑपरेटर किसके अंदर यूज हुआ, इस स्टेटमेंट के लिए, और ऑपरेटर किसके लिए यूज हुआ, इसके लिए। अब हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट यहां पर ये आया कि हमने और ऑपरेटर को पहले यूज किया, जिसकी वजह से वो चेक कर रहा है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है हमारे पास वो भी अगर ट्रू आ जाए। अब यही काम अगर मैं करता हूं प्रिंट लाइक दैट, मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी करता हूं और यहां पे करता हूं पेस्ट, और ऑपरेटर की पोजिशन चेंज करता हूं, यहां पर कर देता हूं एंड, और एंड की जगह पे करता हूं मैं और। आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करते हैं। अब हमारे पास देखें फिर से ट्रू आ रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ और ऑपरेटर। हमारे पास यहां पर कोई भी इशू नहीं बनेगा क्योंकि हम एक ही लाइन के अंदर लिख रहे हैं और हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं आ रही। अब चेक करें आप, अगर मैं यहां पे एक कंडीशन पुट करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूं बार के नाम से इक्वल टू, मैं उसके अंदर ये वाली कंडीशंस जो है उनको उठा के रखता हूं इस तरह से, मैं इनको कर देता हूं अब कमेंट आउट क्योंकि इनके साथ हमारा काम खत्म हो चुका है। अब यहां पर देखें मैं क्या करता हूं, मैं पहले यहां पर ब्रैकेट्स लगाता हूं, ये है हमारे पास प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बाद, कुछ इस तरह से मैं लगाता हूं। अब अगर मैं रन करूंगा इसको प्रिंट के स्टेटमेंट के थ्रू, प्रिंट वार, आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करता हूं, अब देखें हमारे पास वैल्यू फॉल्स आ रही है। बट आप कंडीशंस देखें, हमारे पास कंडीशंस तो वही है सारी की सारी, बट वैल्यू अब इसकी जो है हमारे पास फॉल्स आ रही है। क्यों? अब हमारे पास हुआ कुछ यूं है, प्रोग्राम कुछ इस तरह से रन हुआ है। पहले एक्स वेरिएबल को चेक किया गया लेस देन 20, यस इट्स ट्रू। और ऑपरेटर आया, उसने चेक किया वाई इज ग्रेटर देन 2, यस वाई जो है हमारे पास ग्रेटर देन 2 है। तो ये वाला पोर्शन जो है हमारे पास पहले सॉल्व हो गया और इसकी वैल्यू हमारे पास ट्रू आ गई। देन हमारे पास लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि भाई ये तो ट्रू आ गया, अब ये भी चेक करो, अगर तो ये भी ट्रू आएगा देन मैं आउटपुट को ट्रू दूंगा, वरना मेरे पास जो आउटपुट है वो क्या शो होगी, फॉल्स। तो हमने यहां पर चेक क्या किया था, एक्स इक्वल टू वाई, कि चेक करो कि क्या एक्स जो है वाई के इक्वल है, सो ये कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स है। तो यहां पर एंड ऑपरेटर ने क्या किया, फिर हमें आउटपुट के अंदर फॉल्स शो करवा दिया। होप सो आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं उनकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप प्रैक्टिस जब करोगे ना इनकी, खुद से प्रैक्टिस करोगे, जब तक खुद से नहीं करनी तब तक आपको कुछ समझ नहीं आनी। आपको समझ आई है या नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं, और आपकी जो क्यूरीज हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताया करें। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मैं इनका आपको जस्ट थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, जब हम नेक्स्ट एडवांस के अंदर जाएंगे तो इनका प्रॉपर यूज देखेंगे हम कहाँ पर करते हैं। अभी जस्ट आपको बता दूं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हैं वो हैं इज एंड इज नॉट। अब ये करते क्या है, जो हमारे पास इस ऑपरेटर है
वो चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल्स जो है उनकी डेटा टाइप सेम है। डेटा टाइप मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है सारी की सारी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल रहा होगा, आप जाके पहले वो विजिट करें, डेटा टाइप्स देखें क्या होती हैं, क्योंकि डेटा टाइप्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि चेक करता है पहले कि क्या डेटा टाइप जो है दोनों की सेम है, क्या दोनों स्ट्रिंग्स हैं, क्या दोनों इंटीजर्स हैं, या क्या दोनों फ्लोट्स हैं कि नहीं है। ये फर्स्ट नंबर पे पहले ये चेक करेगा। सेकंड पे चेक करेगा कि क्या दोनों सेम लोकेशन के अंदर सेम है। सेम लोकेशन का मतलब जब मैं आपको वेरिएबल्स करवाऊंगा, अभी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसकी, तब पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास चेक करता है कि दोनों सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये चीजें जो है मैं आपको यहां पर क्लियर करता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मैं बनाता हूं वेरिएबल वन इज इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल टू इज इक्वल टू 20। अब हमारे पास वेरिएबल वन और वेरिएबल टू दो वेरिएबल्स हैं और हम इनको चेक करेंगे अब आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू। हम यहां पर करते हैं वेरिएबल एक और बनाते हैं वेरिएबल थ्री, जिसमें हम चेक करेंगे अपने आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू इन दोनों वेरिएबल्स को। वेरिएबल वन इज वेरिएबल टू। अब मैं अगर प्रिंट करूं इसको, सॉरी, प्रिंट वेरिएबल थ्री, और मैं इसको रन करता हूं, तो आप देखिए हमारे पास वैल्यू शो हो रही है फॉल्स। अब इस ऑपरेटर जो है हमारे पास क्या वर्क कर रहा है, पहले चेक कर रहा है कि क्या दोनों की डेटा टाइप सेम है। यस, डेटा टाइप तो सेम है, दोनों की इंटीजर है, बट क्या 10 जो है वो 20 के इक्वल है, या 10 और 20 जो है दोनों एक जैसे हैं? नहीं, 10 कुछ और चीज है, 20 कुछ और चीज है। 10 जो है वो 20 से छोटा है, आप किसी भी सेंस के अंदर इसको ले सकते हैं। 10 20 से छोटा है, 20 जो है वो 10 से बड़ा है, या जिस तरह से भी। और ये इसका वेरिएबल नेम जो है वेरिएबल वन है, और इसका वेरिएबल नेम वेरिएबल टू है। तो ये डिफरेंसेस हैं जो इस ऑपरेटर जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर हमारे पास चेक करेगा दोनों वेरिएबल्स के अंदर। अब आप देखें, अगर मैं इसको भी 10 कर देता हूं और आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करता हूं, तो आप देखें अब हमारे पास ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम है, डेटा टाइप दोनों की सेम है, 10 इक्वल टू 10 है हमारे पास। अब हमारे पास वेरिएबल का नेम चेक नहीं होगा, हमारे पास लोकेशन सेम आ गई उनकी, डेटा टाइप हमारे पास सेम आ गई, सेम ऑब्जेक्ट्स आ गए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ट्रू। अब यहां पर एक और वेरिएबल अगर मैं बनाऊं, वेरिएबल फोर, उसको मैं कहता हूं इक्वल टू वेरिएबल वन, यानी कि वेरिएबल फोर के अंदर वेरिएबल वन की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूं सिंपली। तो मैं यहां पर चेक करता हूं वेरिएबल वन इज वेरिएबल फोर, ये हमने चेक करना है। तो अगर मैं दोबारा रन करता हूं, अभी भी ट्रू आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल वन और वेरिएबल फोर जो है वो भी अब इक्वल है, दोनों के अंदर 10 वैल्यू स्टोर है, एक ही लोकेशन है और एक ही डेटा टाइप है। अब यहां पर आपको एक मजे की चीज और बताऊं, अगर मैं यहां पे करता हूं, ये मैं रिमूव कर देता हूं, इसको रिमूव करने के बाद बैक चलते हैं, इसको वेरिएबल टू ही कर देता हूं। अब आप देखें, मैं इसकी डेटा टाइप चेंज कर रहा हूं, मैंने डबल कोट्स के अंदर लिख दिया। अब डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज हमारे पास होती है, हम उसको क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताएं। अब देखिए, मैंने यहां पर डेटा टाइप जो है इसकी चेंज कर दी है। अब ये हमारे पास इंटीजर है, ये हमारे पास है एक स्ट्रिंग, बट दोनों की वैल्यू क्या है? 10। अब अगर मैं चेक करता हूं इसको, आउटपुट को क्लियर करके दोबारा से रन करूं, तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। यहां पर वैल्यू तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, बट ये हमारे पास इंटीजर है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो यहां पर वैल्यू का डिफरेंस आया और इस ऑपरेटर जो है आइडेंटिटी ऑपरेटर, उसने इसको फॉल्स कह दिया। अब दूसरा ऑपरेटर जो है वो भी मैं आपको इसी तरह से बता देता हूँ। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास है इज नॉट। इज नॉट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इज नॉट सिंपली ऑपरेटर जो है इस तरह से यूज हो जाएगा। पहले हमने यूज किया इज, अब है हमारे पास इज नॉट। जिस तरह से हमने लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया था नॉट, बिल्कुल सेम काम इसका है। अब अगर मैं आउटपुट को रन करता हूँ, तो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। इसने क्या किया, जो आउटपुट हमारे पास थी अगर ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास ट्रू कर देगा। ये सिंपल काम है आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट का। तो ये थे हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं लास्ट वन, हमारे पास जो ऑपरेटर की टाइप है वो है मेंबरशिप ऑपरेटर।
इसको करते हैं कमेंट आउट, और यहां पर मैं दे देता हूं आपकी आसानी के लिए एक कमेंट आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं उनमें हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, इन एंड नॉट इन। जिस तरह से इज और नॉट इज था, इज नॉट था, इस तरह से हमारे पास मेंबरशिप के अंदर है इन एंड नॉट इन। अब फंक्शन क्या है, मैं यहां पर आपको सिंपल एग्जांपल से इनको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं नेम इज इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं एक नाम को, मैं यहां पर लिख देता हूं हेलो वर्ल्ड कोई, हेलो वर्ल्ड। अब मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू हम चेक करेंगे एग्जिस्टेंस को, और एक हम वेरिएबल बनाते हैं नेम वन से विच विल बी इक्वल टू हेलो। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे करता हूं प्रिंट और चेक करता हूं नेम वन इन नेम। मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें हमारे पास ट्रू शो हो रहा है। अभी आप इस लॉजिक को थोड़ा सा समझें, बस सिंपल लॉजिक है। हम क्या चेक कर रहे हैं इन ऑपरेटर के थ्रू कि क्या नेम वन जो है नेम के अंदर मौजूद है या नहीं, यानी कि हम चेक कर रहे हैं ये हेलो जो है इस हेलो वर्ड वाली स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये हेलो जो है हमारे पास यहां पे पड़ा हुआ है, तो हमें ट्रू मिल रहा है। अगर मैं यहां पे करता हूं डबल ओ, अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं तो आप देखें हमारे पास फॉल्स शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये मौजूद नहीं है इसके अंदर। तो ये सिंपल कंडीशन कि हम इनके थ्रू क्या चेक करते हैं कि क्या हमारे पास एक स्पेसिफिक थिंग जो है वो दूसरी स्पेसिफिक थिंग के अंदर मौजूद है या नहीं, वो आपको सिंपल वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के थ्रू मैंने अभी समझाया। अभी आप देखिए जो दूसरा ऑपरेटर है मेंबरशिप ऑपरेटर, वो कौन सा है हमारे पास, नॉट इन। नॉट इन मैं इसको यूज करता हूं, आउटपुट को क्लियर करता हूं, दोबारा से रन करता हूं तो आप देखें हमारे पास ट्रू आ रहा है। अब ये कंडीशन हमें पहले फॉल्स मिल रही थी इनके थ्रू, मैं यहां पे आप करके भी दिखा देता हूं प्रिंट नेम वन इन नेम, दोबारा रन करता हूं आप देखें हमारे पास पहले फॉल्स आ रही है, वही स्टेटमेंट है, दूसरी के अंदर हमारे पास ट्रू आ रही है। तो सेम काम यहां पर भी नॉट इन जो परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से हमारे पास ट्रुथ टेबल नॉट के अंदर किया था और आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट ने किया था, यहां पर नॉट इन जो है वो भी सेम काम परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारे पास ट्रू वैल्यू होगी देन फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगी तो हमारे पास ट्रू शो कर देगा। तो ये थे हमारे पास सिंपल मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अभी हमने डिटेल के अंदर पढ़ा लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी अच्छे तरीके से एग्जांपल्स की हैं। अभी भी अगर उसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जरूर पूछें इसके बारे में। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स और मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं उनको भी हमने देखा, बट कुछ सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू। इनका बहुत ज्यादा काम है, नेक्स्ट हम बहुत जगहों पर इनको यूज करेंगे, तो जब हम एडवांस में जाएंगे तब हम साथ साथ इनको लेकर चलते रहेंगे, एडवांस के अंदर मैं आपको करवाता रहूंगा। अभी के लिए क्या था कि हमने जस्ट ऑपरेटर्स जितने भी होते हैं पाइथन के अंदर जो हम नेक्स्ट यूज करने हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो आप लोगों को क्लियर करवा दूं। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स जो हैं हम सारे के सारे कवर कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं जिस वे ऑफ टीचिंग के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उसके थ्रू आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई डिफेक्ट लगता है मेरे वे ऑफ टीचिंग के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं इस चीज के बारे में, ताकि मैं अपनी टीचिंग जो है उसको इनहेंस कर सकूं। सो दुआओं में मुझे याद रखना है आप लोगों ने, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि इसमें मैं मेहनत करता हूं, और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इनको जरूर शेयर किया करें वीडियोस को, इस चैनल को जरूर शेयर करें, इस प्लेलिस्ट को शेयर करें कि यहां पर पाइथन का कोर्स चल रहा है बिगिनर्स के लिए, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हो नेक्स्ट, और आप डेटा साइंस में भी जा सकते हो नेक्स्ट, डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनको आप चूज कर सकते हो ये पाइथन का कोर्स करने के बाद। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।